everyone, how are you all? Myself Nurullah Azhari, and you have started watching Nodify Physics. Before moving to the lecture, if you are new in this channel, make sure you have subscribed and don't forget to hit the bell icon so that you will never miss an update. Okay, without any further delay, let's get started. So बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स कुछ आए हुए हैं, उनमें से वेक्टर्स का भी दो पार्ट आया हुआ है ना। वेक्टर के पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जाना था। वेक्टर के तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो वेक्टर्स के टाइप में सबसे पहला जो है वो है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स किसे कहते हैं? लाइक वेक्टर्स वो होता है टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, मींस दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका डायरेक्शन का सेंस एक ही तरफ हो। अगर ये एक वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड है तो दूसरा वेक्टर भी उस तरफ डायरेक्टेड होगा, मान लिया तीसरा ये है, तीसरा भी उसी तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। अब जरूरी नहीं है कि उन सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का सेंस सेम होना चाहिए। तो हम लोग उन वेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स बोलेंगे, है ना। एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है पहले से ही, लेट अ बॉडी ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड अनदर बॉडी बी इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, है ना। दो बॉडी है, एक बॉडी ए है जो कि ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, दूसरी बॉडी बी है वो भी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो डायरेक्शन तो सेम हो गया। जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि बी किस स्पीड से मूव कर रही है, ए किस स्पीड से मूव कर रही है, बी का एक्सेलरेशन क्या है, ए का एक्सेलरेशन क्या है, है ना, ए कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बी कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैटर करता है। डायरेक्शन से पता चल जाएगा हम लोगों को कि वो लाइक वैक्टर्स है, है ना। दूसरा इसमें आता है अनलाइक वैक्टर्स। जस्ट अपोजिट ऑफ लाइक वैक्टर्स का मतलब दो या दो से अधिक वैक्टर्स जिनका डायरेक्शन का सेंस जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे, है ना। इस तरह से एक बॉक्स है जो कि ग्राउंड पे रखा गया है ना, मान लिया कि ग्राउंड पे कोई बॉक्स रखा गया, एक आदमी इधर से धक्का मार रहा है ना, दूसरा आदमी सामने से धक्का मार रहा है, तो दोनों का धक्का मारने का फोर्स अलग अलग होगा, है ना, और डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। तो फोर्स का अमाउंट मैटर नहीं करता यहाँ पे, है ना, ये फोर्स कितना लग रहा है, उसने कितना न्यूटन लगाया, इसने कितना न्यूटन लगाया, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर यहाँ कौन क्या करता है? डायरेक्शन की, एक इस तरफ लगा रहा है, दूसरा सामने से लगा रहा है ना, तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएंगे? अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि OA और PQ दोनों का सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो OA और PQ क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि OA का जो मैग्नीट्यूड है वो PQ के बराबर हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जो है लिखा गया है पहले से ही, ऑलरेडी लिखा गया है, इसीलिए कि हम लोग 10-15 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। तो पहले से अगर लिखा हुआ रहेगा और लिखी हुई चीजों को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि ज्यादा कम समय में ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को पढ़ सकते हैं, है ना। चलो बढ़ते आगे। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे इक्वल वेक्टर्स। तीसरा जो पॉइंट वेक्टर जानेंगे हम लोग, तीसरे टाइप का वेक्टर, वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कब कहे जाएंगे? दो वेक्टर्स, है ना, दो वेक्टर्स इक्वल तब कहे जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, उसके बाद उनका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, है ना, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो। एक दूसरे के पैरेलल होने का मतलब एक दूसरे के पैरेलल, और एक दूसरे के पैरेलल हम लोग कब बोल सकते हैं? जब वो एक लाइन में सट भी जाए, है ना, मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री होगा, है ना। तो जीरो डिग्री होगा तो वो एक दूसरे के पे सट भी सकता है ना, तो या तो सटे रहे या फिर दूर दूर रहे। तो दो वेक्टर्स को इक्वल बोलेंगे हम लोग कब? जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उन दोनों का सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा, तभी बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है तो फिर हम लोग बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। जो इससे पहले हम लोग जाने ना, सिर्फ डायरेक्शन सेम हो तो लाइक वेक्टर्स, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो
तो फिर वो इक्वल वेक्टर्स होंगे, है ना। यहां पे एक एग्जांपल है कि वेक्टर ए बी जो है ना, और वेक्टर सी डी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है ना। जितना लंबाई ए बी की है उतनी लंबाई सी डी की है, और जो डायरेक्शन ए बी का है वही डायरेक्शन है सी डी का भी। इसीलिए यहां पे हम लोगों ने लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये ए बी के ऊपर एरो देने का मतलब वेक्टर ए बी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट्स भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आप लोग एक पॉइंट लिखें तो बहुत अच्छे से नोट्स बनेगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे निगेटिव ऑफ अ वैक्टर। निगेटिव ऑफ अ वैक्टर मीन्स दो वैक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, टू वैक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट, है ना। दो वैक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अनलाइक वेक्टर में क्या था कि दो वेक्टर्स, दो या दो से अधिक वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होते थे और मैग्नीट्यूड की चिंता वहां हम लोग नहीं करते थे, तो वो अनलाइक वेक्टर्स होते थे, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसीलिए क्या कहेंगे हम लोग कि ये एक दूसरे के निगेटिव ऑफ वैक्टर होंगे। मीन्स कोई वैक्टर ए है ना, कोई वैक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर बी से इक्वल है ना, बी के इक्वल है, लेकिन बी का जो डायरेक्शन है ए के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, ए इस तरफ डायरेक्टेड है और बी इस तरफ डायरेक्टेड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, वेक्टर लिख के उसके ऊपर अगर मॉड लगा दें, वेक्टर लिख के उसके ऊपर मॉड लगा दें, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, है ना। उसी तरह से मान लिया कोई वेक्टर ए इस तरफ है ना, और सेम उतनी ही लंबाई का कोई वेक्टर बी इस तरफ लिया हम लोगों ने, बी का डायरेक्शन इस तरफ है, ए का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी, है ना, या फिर बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए, है ना, क्योंकि ए बराबर बी, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, सिर्फ क्या फर्क किस चीज की है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। उसी तरह से अगर ऊपर की तरफ लें और नीचे की तरफ बराबर अमाउंट का कोई वेक्टर लें, ये पी है, ये कोई क्यू वेक्टर है, ठीक है, तो पी और क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, अपोजिट क्या है, इन दोनों का डायरेक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर पी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ क्यू, मतलब पी क्या होगा, निगेटिव ऑफ क्यू के बराबर होगा। निगेटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू के मैग्नीट्यूड को काट के जस्ट अपोजिट कर देते हैं, नेगेटिव का मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो पी और पी बराबर इक्वल वेक्टर्स, जैसे दो वेक्टर्स इक्वल कैसे होते हैं, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। तो जब अब क्या था, अभी ना यहाँ एंगल 180 डिग्री था, लेकिन जब उल्टा कर दिए, नेगेटिव करके उल्टा कर दिए, तो अब एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो एक दूसरे के पैरेलल भी हो गए, है ना। उसी तरह से क्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ पी हो जाएगी, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है, नल वेक्टर है। जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड हो ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो वेक्टर। और जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है उसका कोई डायरेक्शन होगा, है ना, तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना, और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना। इन केस ऑफ जीरो वेक्टर्स इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड एंड इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, मींस कि कोई पॉइंट है जो कोइंसाइड कर रहा है, मींस ओ ए, हल्का सा भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओ ए या फिर ओ या कुछ और नाम देना पड़ेगा, है ना, कोई दूसरा भी पॉइंट आ गया तो ये ए पॉइंट होगा या बी पॉइंट होगा, हल्का सा भी कोई लाइन खींचा गया, कोई दो पॉइंट अगर आ गया तो
तो दो पॉइंट से मिलके एक लाइन बन जाती है ना, एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन सेगमेंट बन जाएगी तो हल्का सा भी तो मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड है, तो कोई एक पॉइंट होगा, है ना, ए, और यही पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए ही है ना। अगर इसको दूसरा बार भी ए लिखेंगे तो वो ए ही पॉइंट होगा ना, तो वही पॉइंट है। तो अगर इस ए पॉइंट का बोले कि ये ए पॉइंट कोइंसाइड करके एक वेक्टर बना रहा है, तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो होगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलेंगे, है कि नहीं। इसके एग्जांपल अगर देखने हो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में, तो क्या हो सकता है कि ये जो वॉइड पोर्ट है ना, इसकी वेलोसिटी, इसका स्पीड या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका कोई ऐसा क्वांटिटी जो कि ये मूव करेगा तभी आएगा, है ना। तो जैसे इसकी वेलोसिटी की बात करें, तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वेलोसिटी जीरो आएगी, है ना। अब कोई गाड़ी जो है हाईवे पे 100 के स्पीड से चल रही है, 100 के स्पीड से मींस एक सेकंड पहले भी 100 थी, एक सेकंड बाद भी 100 है, दो मिनट बाद भी 100 रहेगी, दो मिनट पहले भी 100 थी, मींस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में वो 100 के स्पीड से चल रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कुछ होगा, एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन वहां क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गई। किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो वेक्टर हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर का एक पार्ट और आएगा, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के सारे पार्ट को, वेक्टर्स के सारे पार्ट को फिनिश कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले लाइक वेक्टर्स जाना, उसके बाद अनलाइक वेक्टर्स, फिर इक्वल वेक्टर्स, फिर निगेटिव ऑफ अ वेक्टर्स, फिर जीरो वेक्टर्स, है ना। अगर जिन लोगों ने नोट डाउन करना है और वो नोट डाउन करना भूल चुके हैं, तो फिर से वीडियो को देखेंगे या फिर उसको भगा भगा कर देखेंगे, है ना, और पॉज करके नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट डाउन अच्छे से किया गया है। ऐसे पढ़ाने से जो कि पहले लिख लेते हैं फिर तुम लोगों को समझाते हैं, इससे जो है टाइम, मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है लेकिन आप लोगों का टाइम बच रहा है, है ना। तो आप लोगों को टाइम बचाने के लिए ये किया गया है, क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखता चलूं और साथ साथ बोलता चलूं तो उसमें टाइम बहुत कम लगेगा मुझे, लेकिन इसमें से आप लोगों का टाइम ज्यादा चले जाएगा, है ना, कि लिख लिया फिर वो वीडियो लंबी बन जाएगी और उसमें क्वांटिटी कम रहेगी चीजों की, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पहले से लिखी हुई चीजें हैं उसको अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो ज्यादा चीज आ रहा है कम समय में, है ना, और हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, स्मार्ट तरीके से निकलना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट अगले पार्ट के लिए, स्टे ट्यून्ड।